अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक, आइसक्रीम केक। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज मैं इसे स्ट्रॉबेरी के साथ थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर दे रही हूँ और सॉफ्ट भी बहुत बना था और साथ में टेस्टी भी बहुत बना था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉयल लिया है जिसमें मैंने 1/4 कप शुगर पाउडर लिया है और साथ ही में मैंने एक अंडा लिया है। अगर आप अंडा नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह आप दही भी ले सकते हैं। दही भी आपको 1/4 कप ही लेनी है। अब दोनों को अच्छे से हमें फेंट कर एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है। जब तक इसमें झाग नहीं आ जाते अच्छे से, जब तक हमें इसे फेंटना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने 1 कप मैदा डाला है। मैदा को आपको छान के इसमें डालना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। और लगभग मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर तेल डाला है। तेल की जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है। साथ ही में मैंने 1 टीस्पून वैनिला एसिड डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रहे आप जब मिक्स करने के टाइम आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार करना है। अगर आपको थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं और अच्छे से हमें एक ही डायरेक्शन में फिरते हुए इसका स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब यहाँ पर बैटर हो गया तैयार। यहाँ पे मैंने लिया है केक टीन जिसमें मैंने तेल लगाकर, बटर पेपर लगाकर ऊपर से तेल को ग्रीस कर लिया था। अब जो हमने बैटर तैयार किया है वो बैटर इसमें पूरा डालना है और हल्के हाथ से हमें इसे टैप कर लेना है। केक को बेक करने के लिए हमने ओवन को 10 मिनट के लिए फ्री हीट पे कर दिया है। उसके बाद हमें 180 डिग्री के लिए 30 मिनट के लिए हमें केक को बेक करना है। इससे पहले भी मैंने केक की रेसिपी शेयर की हुई है, उस वहाँ पर मैंने केक जो है कढ़ाई में बनाया था, इसलिए आज मैं ओवन में बना रही हूँ। जब तक हमारा केक अच्छे से बेक हो रहा है आइए फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 स्ट्रॉबेरी ली है जिसको धोकर अच्छे से मैंने इसे चॉप कर लिया था। अब एक पैन लेना है, पैन में मैंने जो स्ट्रॉबेरी चॉप की है वो डालना है और 1 चम्मच हमें शुगर पाउडर डालना है। क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी मीठी रहती है इसलिए इसमें थोड़ा 1 चम्मच से इसमें थोड़ी मिठास भी आ जाती है और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बॉयल लिया है जिसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर लेके इसे अच्छे से घोल लिया था। अब ये हमारा हो गया है शुगर वाटर तैयार। इसे हमें केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो गई है। हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्के से इसे सॉफ्ट कर लेना है। जो हमने शक्कर डाली थी उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना इसमें शुगर मेल्ट होकर एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये अब इसी में मैंने 1 चम्मच डार्क चॉकलेट डाली है। डार्क चॉकलेट मिलाकर हमें से सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है बस। चॉकलेट में सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रॉबेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के लिए, लेकिन आज हम चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट डाली है। जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देना है 20 मिनट के लिए। आइए केक की तरफ देख लेते हैं। केक भी हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब आप एक कांडी डाल के इसमें देखेंगे, जैसे हमारी कांडी क्लियर आएगी मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। बस इसको ऊपर का पार्ट निकाल के मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक फॉक की मदद से आप इसे अच्छे से होल्ड करके इसमें जो हमने शुगर वाटर तैयार करके रखा था वो इसमें आपको डालना है। सब जगह अच्छे से डालना है, इससे जो हमारा केक है बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर लगाइए। उसके बाद आपको जो हमने स्ट्रॉबेरी फिलिंग बना के रखी थी वो इसमें ऊपर अच्छे से लगाकर आपको 1 स्पंज और इसमें रख देना है। ऊपर से मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यूज़ की है जो आपको रेडीमेड लेकर इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ा सा टैप करके फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। आप देख सकते हैं 1 घंटे में हमारा केक इतना अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे डिमोट कर दीजिए,
एकदम केयरफुली करना है आपको। उसके बाद आप चाहे जैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर बिस्किट को क्रश करके स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे चाहे वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग हमारा चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम केक हो गया है तैयार खाने के लिए। और आप यकीन मानिए, अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्पंज इसका सॉफ्ट था और खाने में भी बहुत ही लाजवाब था। आप बाहर से ख़रीदते हैं हमें, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक केक में केक बना सकते हैं। केक और बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आप जो चाहे वैसे आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और मैंने रमज़ान के लिए बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है, मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप प्लीज़ वो भी जाके देखिए, उसे भी लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।